हेलो स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि आज हम जो वयस्क मताधिकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडियन थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज विच फंक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन वोट। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में हमने देखा है कि जो भारतीय संविधान है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीति के समानता पर आधारित है, और इसके अंतर्गत जो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यानी कि इससे का जो आधार है, इस जो फंक्शन का आधार है वह वन पर्सन वन वोट, यानी कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, यानी कि सभी तरीके के व्यक्ति, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, यानी कि चाहे वो पुअर हो, रिच हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, मैन हो, वुमेन हो, किसी भी रिलीजन्स का, उसे हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार इसमें कहा गया है। तो जो एवरी सिटीजन्स यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारा जो देश का संविधान है उसके अंतर्गत एवरी सिटीजन ऑफ एज ऑफ 18 और अबाउट द इंटिटलेड टू वोट इज द इलेक्शंस, यानी कि जो हमारे संविधान के अनुसार भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो हर प्रकार के इलेक्शन यानी कि जो चुनाव है उसमें वोट देने के एलिजिबल यानी कि योग्य माना गया है। एंड रेस्पेक्टिव ऑफ कास्टेस, सेक्स, रेस, रिलीजियंस एंड स्टेटस, इसमें किसी भी तरीके का कास्ट यानी जाति, धर्म, लिंग और के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल थ्रू इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज द एज लिमिट वाज फिक्स एट 21 एंड अबाव। जो भारत का जो मूल संविधान था जो 1950 में लागू किया गया था, उसके अंतर्गत जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज थे यानी कि जो वोट देने की जो आयु थी वो 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष या उससे अधिक थी। बट बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द एज लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 13 ईयर्स, यानी कि जो भारत में जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें मत देने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, बट जो 61वां संविधान संशोधन था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 61वें संविधान संशोधन के आधार पर इस आयु को, इस एज लिमिट को 21 यानी कि 21 वर्ष से घटाकर और 18 वर्ष कर दी गई है, यानी कि अब भारत में सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वोट देने का पूरा अधिकार दिया जाता है। और ये जो इंडिया में जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, ये वन पर्सन वन वोट के जो बेस पर आधारित है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट, भारत के इस सिद्धांत पर भारत में वोटिंग की जाती है। द नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सर्कुलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें सभी लोगों को अपना धर्म चुनने और अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह भी बताया गया है कि भारत का कोई अपना राष्ट्रीय नेशनल रिलीजन्स नहीं होगा। भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है। द आर्टिकल 25 स्टेट इन द एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड हैज़ द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेट रिलीजियंस ऑफ वन चॉइस, यानी कि जो भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को अपना धर्म चुनने, उसका प्रचार करने, उसकी पूजा करने, उसकी विधियों का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रैक्टिसिंग रिलीजियन और द एक्ट ऑफ प्रोपेगेटिंग द शुड नॉट
however affect the people or public order, monetary and health, जो भारत में सभी लोगों की जो मॉनेटरी आदि जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में भी उनको भी पूर्ण स्वतंत्रता इसमें दी जाती है. द आर्टिकल डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट कम टू मेक एनी लॉ ऑफ रेगुलेटेड इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल और अदर सर्कुलर. यानी कि जो ये आर्टिकल है इसके अनुच्छेद के अनुसार जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी तरीके का ऐसा जो कोई जो एक्ट यानी कि कोई नियम बनाती है जो आर्थिक है आर्थिक आधार पर राजनीतिक आधार पर या जो धार्मिक आधार पर इस तरीके का कोई भी जो एक्ट है यानी कि जो नियम है वो नहीं बना सकती है. एक्टिविटी विच मैनी ऑफ द एसोसिएट विथ रिलीजियस प्रैक्टिस इट इज़ थ्रू सर्वर प्रोविजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन अप होल्ड द स्पिरिट ऑफ सर्कुलिज्म. यानी कि भारत के जो संविधान में है वो धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है. भारत में सभी धर्मों को समान माना जाता है. द रिवलेंस ऑफ द लेगिजेशन ऑफ द गार्डेड ओनली वैन वन अंडरस्टैंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेजिंग द पैलेसली इथिक्स ऑफ द कंट्री एंड द आइडियाज ऑफ आर्मेनिज कॉन्शियंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. यानी कि भारत में ये माना जाता है कि सभी जो धर्म है उनको समान माना गया है और सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है. व्यक्ति को एक धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु उसे किसी अन्य धर्म का अपमान करने की किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है. विच द 242nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन हैज 1976 द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्ट्रॉड द इंडियन इज द सर्कुलर स्टेट. जिस प्रकार से हमने जो लास्ट जो हमने पढ़ा था कि जो अमेंडमेंट नंबर 42 है उसमें सर्कुलर स्टेट जो वर्ड है उसको भी जोड़ा गया है. जैसे जो इसी के अंतर्गत इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो हमने जो सोशलिस्ट जो वर्ड था उसके साथ साथ इसमें सर्कुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष शब्द को भी इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है.